हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाई नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जिसमें हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे थे सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं और एक डिफरेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है जितने क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं उनसे। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये सबसे पहले हमको इसको पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि पुट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पी। डी वाई बाय डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, पी। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई पी प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। पी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो जनरली यदि हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, ए पी स्क्वायर बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें, तो ये ए आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। बी क्या मिलेगा, पी को छोड़ के माइनस ऑफ टू एक्स वाई। और सी क्या मिलेगा, टू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और पी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फार्मूला पता है, पी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। अब ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो पी इज इक्वल टू बी की जगह 2xy, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2xy प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सी की जगह क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ए की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो p इज इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए 4x की पावर 4 ये अकेला है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी 2xy प्लस माइनस अंडर रूट 4x की पावर 4 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय क्या है 2x स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में जैसा यहाँ लिखा है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू 2xy प्लस माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 4 क्या कॉमन ले लिया 4x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब देखिए तो p इज इक्वल टू 2xy प्लस माइनस 4x स्क्वायर, यदि अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2x और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, तो कैंसिल होके p की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। और यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि इस टर्म की डिग्री सेम हो तो उसी को हम क्या को कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। और इस टाइप्स के इक्वेशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। ये कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करने का तरीका पता है, y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं। सबसे पहले p को हम क्या लिख देते हैं, dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास क्या क्या है, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बी एक्स। तो dy वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स का वन प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। तो दैट मीन्स डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। तो आपको ये जो इक्वेशन मिला है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट मिला है उसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ हम डी एक्स पुट करेंगे, और जो डी वाई बाय डी एक्स है उसकी जगह v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू हम रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्लियर है। अब यहाँ देखिए v प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x आएगा और x x कैंसिल होएंगे, दैट मीन्स v प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर मिलेगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब बी से बी यहाँ कैंसिल होगा, हमको क्या मिलेगा, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। अब हम वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, तो देखिए डी बी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस माइनस ये डी एक्स यहाँ शिफ्ट होगा और एक्स अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इट, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ सी। लॉग क्यों रह रहा है, क्योंकि पता है इंटीग्रेशन इसका लॉग में आएगा, और हम सब जानते हैं कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स बी होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ सी, क्लियर है, लॉग एक्स प्लस ऑफ सी। यह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स बी को, बी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, वाई बाय एक्स। तो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी एक्स, क्लियर है। अब देख रहे हैं कि प्लस माइनस साइन लगा है, दैट मीन्स इसके हमें कितने फैक्टर मिलेंगे, दो फैक्टर मिलेंगे। तो चलिए अब हम साइन ले लेते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू log of cx, log of cx। तो हम इसको लिख सकते हैं sin inverse y by x minus log of cx is equal to 0। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, taking minus sign ले लीजिए तो क्या मिलेगा, sin inverse
y by x is equal to minus of log cx, minus sign ले लिया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, sin inverse y by x plus log of cx is equal to 0. अब इन दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करके लिख देंगे तो एक गिवन इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या मिलेगा, साइन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ सी एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस log of cx is equal to 0. ये इसका फाइनल आंसर हमें मिल गया. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स दूर करूँ. जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.